एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है। तो आज वैलेंटाइंस डे के दिन जो है हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करेंगे, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए। यानी कि करेंट फीलिंग्स हम चेक करने वाले हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में, ठीक है। सो जनरल रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, आपको पता ही है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करे। और मैं लाइव आने वाली हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है, तो आप लोग वहां से मुझे कनेक्ट हो सके और मुझसे बातें अपनी शेयर कर सके। आपका एक्सपीरियंस, हर एक चीज मैं पूछूंगी और वो आप बताएंगे, ठीक। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी फैमिली बढ़े और आपके सपोर्ट की वजह से हम और ज्यादा अपनी फैमिली को ग्रोथ कर सके, ठीक। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि देखो गाइज, ब्रेसलेट के बारे में मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये पिंक कलर का ब्रेसलेट है, बेबी पिंक कलर का ब्रेसलेट है और ये व्हाइट कलर का नहीं है, बेबी पिंक कलर का ब्रेसलेट है और ये बहुत अच्छा इफेक्ट डाल रहा है आप लोगों के ऊपर। इसका जो है बेनिफिट आपको मिलेगा, इसका जो रिजल्ट है आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल रहा है। मैं इसको एक्टिवेट करके देती हूँ आप लोगों के लिए, आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन हो जाए, आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आपकी उनके साथ शादी हो जाए, है ना, उसके लिए जो है मैं इसको एक्टिवेट करके देती हूँ और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट भी मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक। तो आप लोग जो लोग लेना चाहते हैं ये ब्रेसलेट को, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके इस ब्रेसलेट को बुकिंग करवा सकते हैं। और ये ब्रेसलेट सिर्फ इंडिया के लिए अवेलेबल है, आउट ऑफ कंट्री, इंडिया के बाहर हम जो है ये ब्रेसलेट को नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग इंडिया के हैं वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सिर्फ ब्रेसलेट के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं भी आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी। चलिए अब हम करेंगे हीलिंग आपकी, जैसे कि मैं हमेशा हीलिंग करती हूँ, तो पहले आपकी हीलिंग करेंगे और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करें, वहां पे मैं जो है बहुत ही जल्दी कुछ कुछ नए नए जो है वहां पे कुछ नई नई चीजें करने की सोच रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं जल्दी स्टार्ट करूँ, तो आप लोग जरूर मुझे वहां पे फॉलो करें। चलिए करते हैं अब स्टार्ट हीलिंग। सबसे पहले हीलिंग हमारी होगी, आंखें बंद कर लिया आपने, शांति। चलिए हो गई आपकी हीलिंग। आई होप आपको साउंड बहुत ही फील करवा रहा होगा, रिलैक्स,
ठीक है, चलिए करते हैं अब रीडिंग। मैं कैंडल को जलाती हूँ और अब आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, देखना है कि आपके पार्टनर जो है आपकी आंखों के सामने हैं और उनसे जो है ना आपको बातें करनी है, यानी कि जब मैं ये रीडिंग करूंगी आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, तो चलिए मैं कैंडल को जलाती हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, फोकस कीजिए आप। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए। आज मुझे ये पर्सन प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं प्रार्थना करते हुए, प्रे करते हुए, ऐसा जैसे ये पर्सन बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं आज। जैसे कि इनको सुबह सबसे पहले आज उठते उठते ही आपकी याद आई है और आपकी यादें कुछ इस तरीके से आई हैं कि ये पर्सन मचल रहे हैं यहाँ पे। इनकी जो है प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि इनका जो दिल है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं ये पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा एक जो होता है ना कि न्यू न्यू है ना, ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब आज के दिन हमारी ज़िंदगी से ये अंधेरा ख़त्म हो जाए और अंधेरे के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा उजाला आए। आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, इनकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। आई थिंक आपने लास्ट वैलेंटाइन कुछ ऐसा किया था जो कि आपके पार्टनर को आज बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है। आपके पार्टनर आपको याद करके इनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, कहीं हद तक मैं देखूं तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ये पर्सन का ऐसा मानना है, ऐसी इनकी एनर्जी है कि ये पर्सन बस यही फील कर रहे हैं कि आप ही इनकी लाइफ में पहले भी थे और आज भी आप ही इनके लाइफ में हो, चाहे आपकी इन्वॉल्वमेंट फिजिकली रहे ना रहे, इनके दिल में आपके लिए हमेशा वो जगह रहेगी जो कि आपकी हुआ करती थी। आप इनके हमेशा हो और ये आपके हमेशा हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स में क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, तो ये पर्सन अपने आप को पॉजिटिव करते हुए दिख रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको होप लगा रहा है कि अब आप इनको जो है प्रपोजल देंगे या अब जो है आप खुद इनके पास चल करके आएंगे कि मुझे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता, तुम अकेले हो और तुमको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकता। ये पर्सन की ऐसी थिंकिंग आ रही है, ये पर्सन को आपकी वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आप को ये पर्सन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, पहले ये पर्सन हमेशा ही आपको बहुत गलत बोलते होंगे, बहुत उल्टा बोलते होंगे, बहुत कुछ गलत बोलते होंगे, जिससे आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना फेस करनी पड़ती होंगी, बहुत ज़्यादा कुछ। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के बहुत स्ट्रेस फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं, और मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए बहुत तकलीफ फील कर रहे हैं। यहाँ इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो चुकी है जैसे कि ये कहाँ आ गए हम वो वाला सिचुएशन। ये पर्सन बहुत अकेला है, ठीक है, बहुत ही अकेले। अगर इनके साथ थर्ड पार्टी है भी तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नहीं है आज, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इनको वो खुशी नहीं दे रही है जो कि आपसे मिलती थी, और ये पर्सन बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं।
आज इनका मन था आपके साथ बाहर कहीं जाने का, बाहर कहीं घूमने का, कहीं प्लान भी किया था इन्होंने, लेकिन किसी कारणवश आप दोनों नहीं जा पाए हो, नहीं मिल पाए हो। आपके पर्सन ने आपको कॉल भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया और ना ही आपने किया, तो इस वजह से भी जो है ना इस पर्सन का दिल यहाँ पे टूटा है, तकलीफ में है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। सीरियसली पहले ये पर्सन सीरियसली आपके बारे में सोचना कि आपके बारे में आपको जानते ही नहीं थे। सीरियसली सीरियसनेस क्या होती है आपके लिए, इन्होंने कभी फील ही नहीं किया। लेकिन अभी मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन के अंदर वो सीरियसनेस फील हो रही है, वह एनर्जी आ रही है जिससे जो है ये पर्सन फील कर रहे हैं। ये पर्सन आज तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा इस पर्सन के दिल में जो है ना क्रेविंग होती हुई दिख रही है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ, बहुत ही ज्यादा तकलीफ। आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत बहुत ही ज्यादा, मैं देखू ना तो इन्होंने आज सोच रखा था आपको फ्लावर वगैरह देने के लिए, और ये पर्सन का सोचा हुआ कुछ हुआ नहीं आज, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा अपसेट भी मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन ने आज आपको प्रपोजल देने का भी सोचा था, आपको प्रपोजल भी देना चाह रहे थे, ठीक। और मुझे जहाँ तक दिखता है कि आज रात तक ये पर्सन आपको प्रपोजल दे सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी है यहाँ पे, ये पर्सन एक मौका तो चाहते हैं, दिख रहा है कि ये पर्सन एक मौका चाहते हैं कि आप इनको एक मौका दो और इनकी जो भी गलती हुई है उसको माफ करो और इनके साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जरूरी है। यहाँ पे ये पर्सन का ऐसा मानना है जरूरी है मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आए और मैं उसकी लाइफ में आऊं, तो जरूरी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है ना ये फील करते हुए दिख रहे हैं, और ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन कभी भी आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से इस पर्सन के साथ डील किया है, जिस तरीके से इस पर्सन को संभाला है, इस पर्सन को कभी कोई और तीसरा पर्सन नहीं संभाल सकता, और पूरी दुनिया आप ही हो इनके। इस पर्सन को फील हो रहा है कि पूरी दुनिया में एक आप ही हो जो सिर्फ इनके हो, और कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं ये पर्सन। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा हो चुका है, और ये पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, आपके पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आपको लेकर के एकदम से फोकस हैं, और फोकस रहने के साथ साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही रोमांटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, और बहुत ही रोमांटिक वे में आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक वे में आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि नाइट के टाइम में अगर आपकी बातें हो तो आप लोग कैंडल लाइट डिनर पे भी जाओगे, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है ज़्यादा लोगों के लिए। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, जो एक होता है ना कि ट्रस्ट करना है ना, तो वो ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करके ही आपके साथ जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और फेस करते हुए मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और अगर मैरिज हो गई है आपकी तब तो अच्छी बात है, आपके पर्सन आपके साथ जो है यहाँ पे आना चाहते हैं, आपके साथ जा करके रिलेशनशिप को अपने सही करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत एक
बहुत ही ज्यादा एक सैड सी एनर्जी में भी दिख रहे हैं, जैसे कि इनके अंदर जो छुपी हुई चीजें हैं, जो दर्द है, जो तकलीफ है ना, वो आपसे बताना चाहते हैं आज मिलकर। बहुत ज्यादा याद आ रही है आज आपकी, बहुत ही ज्यादा। और जो यादें हैं, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर किसी से शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूं कि किसी से बातें भी कर रहे हैं आपके लिए और शेयर कर रहे हैं। और वो जो पर्सन है जिससे भी शेयर कर रहे हैं, ये पर्सन इनको मना कर रहा है कि नहीं, तू क्यों जा रहा है, क्यों जा रही है, तेरे पास और कोई काम नहीं है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से मना करते हुए मैं देख पा रही हूँ किसी ऐसे पर्सन को, जो कि आपके पर्सन को रोक रहा है आपके करीब आने से, आपके पास आने से, और नहीं चाहता है कि आप जो है इनके साथ आओ, आप इनके पास आओ। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि होता है ना कि लाइफ में क्या कर रहे हो तुम, आगे बढ़ो, है ना। तो ये मुझे यहाँ पे फील होता हुआ दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे मना करते हुए इस पर्सन को दिख रहे हैं कि लाइफ में तुम्हारे और भी चीजें हैं, और भी लोग हैं, लेकिन तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। ये जो पार्टनर हैं आपके, आपके पीछे ही आना चाहते हैं, आपके लिए ही आना चाहते हैं, ये किसी और के साथ नहीं जाना चाहते हैं। किसी और के साथ क्यों जाना, इनकी ऐसी थिंकिंग है कि किसी और के साथ मुझे नहीं जाना, मुझे जाना तो सिर्फ उसके साथ जाना है। वो लाइफ में आएगा या आएगी तो ही ठीक है, वरना दूसरे को मैं ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, मैं यहाँ पे ये दिख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के बहुत ज्यादा तकलीफ फील करते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज्यादा, मैं देखूँ ना तो देखो इनके दिल में मैंने कहा कि क्रेविंग तो हो रही है आपके लिए, बहुत ये बर्दाश्त कर रहे हैं अपने अंदर ही अंदर, बहुत सारी चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चीजें हैं इनकी वो दब नहीं रही हैं, क्योंकि इनको जो है ना आपकी याद बहुत आ रही है। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा सा खासा टाइम स्पेंड किया है, आप लोग कहीं घूमने गए थे, उस वक्त का टाइम जो है ना इस पर्सन को याद आ रहा है। ठीक है, उस वक्त का समय जो है इस पर्सन के दिल में है, और वो समय ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए जो एक होता है ना कि अंदर से तड़प सी महसूस होती है, तो वो तड़प सी जो है ना इस पर्सन के अंदर है, वो महसूस होती हुई मुझे नजर आ रही है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना आपको लेकर के एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही खूबसूरत सी जो है याद, ठीक है, ये बनना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी याद, बहुत ही खूबसूरत से पल आपके साथ गुजारना चाहते हैं ये पर्सन। और बहुत ही खूबसूरत से पल गुजारने के साथ साथ मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए इतना ट्रू लव ये पर्सन फील करते हैं जितना कि ये पर्सन को कभी फील नहीं हुआ है। आपके सपने बार बार आते हैं, सेक्सुअल सपने, ऐसे सपने, बहुत सारी चीजें जो है ना इस पर्सन के दिल में हैं, और ये पर्सन बार बार उन्हीं के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये पर्सन जो है ना रिस्क लेकर के, हाई रिस्क जो है ना लेकर के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं, और चाहते हैं कि एक बार आपसे पूछ लिया जाए कि आप क्या चाहते हो, आप इनके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हो कि नहीं बढ़ना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, क्या हो, ठीक है, ताकि इनको क्लियर हो जाए कि ये जो पर्सन है ना आपके लिए ही स्टैंड लेंगे, या फिर आपके लिए ही जो है ना यहाँ पे ये पर्सन कुछ भी करना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के बहुत ज्यादा जो है स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, और आपके लिए ही डिसीजन लेना चाहते हैं, इनका क्लियरली नजर आ रहा है। डिसीजन लेना, डिसीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है,
और ये पर्सन डिसीजन लेंगे। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि डिसीजन लेने का मूड इनका पूरी तरीके से बन गया है। आपको लेकर के एक पूरी तरीके से डिसीजन क्या होगा इस पर्सन का, ये पर्सन डिसीजन लेना चाह रहे हैं और आज ये पर्सन डिसीजन लेंगे ही लेंगे। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आर या पार, ठीक है, ये पर्सन का ऐसा है आज, ठीक है। तो चलिए कुछ और टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि और इनकी जो फीलिंग्स है, डीपली फीलिंग्स तो हमने देख ली, लेकिन इनका जो है नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं कि क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड से कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे आपके लिए, कब लेंगे, और लास्ट में हम उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे। चलिए देखते हैं, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ वैंड्स। एकदम से वाव, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड, बहुत ही खूबसूरत। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, टावर का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स एंड है मेरे पास सेवन ऑफ वैंड्स। देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि जो नो कांटेक्ट आया है या जिस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में हो अभी फिलहाल, अचानक से जिसकी वजह से भी नो कांटेक्ट आया है, ये पर्सन को वो जो है वजह खत्म करनी है। यानी कि आप जो समझते हो कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, तो सबसे बड़ी वो जो ट्रस्ट इशूज हैं उसको खत्म करना है हमेशा हमेशा के लिए। इस पर्सन को वो ट्रस्ट इश्यूज जो है ना हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है आपके दिल दिमाग से, ठीक। चाहे ये पर्सन को कुछ भी करना पड़े, ये पर्सन आपको आज प्रूफ करेंगे, ठीक, कि ये क्या है। क्योंकि ये पर्सन को आप हमेशा ही समझते हो कि आपको चीट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको बस यूज किया है इन्होंने, आपने बोला है, और ये पर्सन ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके लिए जो है इनके लिए आप अपने मन में कोई भी निगेटिविटी रखो, ठीक है। तो ये पर्सन का है कि ये पर्सन जो है ना आपके लिए जो है स्टैंड लेंगे और आपसे बातें करने के लिए जो है ना ये पर्सन आने वाले हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मनाने वाले हैं, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से, एकदम से दिख रहा है कि ये पर्सन मनाने वाले हैं आपको। चाहे आप कितने भी नाराज हो, कितना भी ज्यादा रूड बनो यहाँ पे, ठीक है, तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, ठीक, लेकिन ये पर्सन आज आपसे बातें करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है एट ऑफ वैंड्स के कार्ड से, बॉटम ऑफ द डेक, एकदम से आपके पास ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, आपको जो है आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आपसे बातें करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। मुझे बहुत खुशी है कि ये पर्सन फाइनली आपको चूज कर रहे हैं। चूज क्या कर रहे हैं, मतलब कि कहूंगी आज आपसे बातें करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि ये पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है आज, क्योंकि ये पर्सन को बार बार परेशानी होगी, बार बार ये पर्सन मेंटली डिस्टर्ब होंगे, ये बार बार सोच करके पीछे की यादें, पीछे की बातें, है ना, तो इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी और इसीलिए ये पर्सन जो है ना आपको जो है कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे यहाँ पे इनका नेक्स्ट एक्शन यही दिख रहा है, और जिन लोग का आज कॉल नहीं आता है उन लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 7 डेज 7 वीक्स वेट करना पड़ेगा आपको, कुछ लोगों का 7 मंथ भी हो सकता है। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कि क्या मैसेज है, तो मैसेज निकालती हूँ मैं, यहाँ पे मैसेज निकालते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, है ना। चलिए 5 मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के कि क्या है। फर्स्ट मैसेज देख लेते हैं, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। आप जो हैं इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक स्वर्ग के समान, जैसे कि कितनी अच्छी फीलिंग होती है ना, तो वो वाली फीलिंग है आप। यू आर माई फेवरेट फीलिंग्स, मैंने कहा ना कि ये जो आपके पार्टनर हैं एकदम से बहुत ही फेवरेट फीलिंग है आप। आई केयर अबाउट यू, यू आर माइन, डोंट एवर लीव माई साइड। तो आप जो है ना आपके जो पार्टनर हैं ये सबसे पहले तो आपका ख्याल जो है रखते हैं और
आप उनके हो, आप बिल्कुल भी ना सोचो कि आप उनके नहीं हो या फिर वो आपके नहीं है, ऐसा कुछ है ना, तो ये मत सोचो, आप अपने दिमाग में मत लाना। टू मी यू आर परफेक्ट, तो आपके लिए जो है ये पर्सन, आप जो है इनके लिए परफेक्ट हो, परफेक्ट एकदम परफेक्ट पार्टनर हो आप, ठीक है। आखिरी मैसेज क्या है वो देखते हैं, तो अ सिंपल आई लव यू मीन्स मोर देन मनी, ठीक है, तो पैसों से ज्यादा ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, तो इनके प्यार की वैल्यू करें आप। मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी। तो ये है आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगले रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।